शेरघाटी से आरजेडी की विधायक मंजू अग्रवाल ने लालू यादव से मुलाकात की। इस दौरान बिहार में सरकार बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। देखिए, राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, आप लोग देखते जाइए आगे क्या होता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी जी सबसे बड़े पार्टी के रूप में बिहार में है और जनता बदलाव के लोग के जनादेश दी है और आने वाले समय में आशीर्वाद रहेगा, हमारे तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। वहीं रिम्स के बेंग वार्ड पहुंचकर छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने भी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने लालू यादव के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की। इसे पेपर और मीडिया के माध्यम से पता लगते रहता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बस देखने आया था कि ठीक है कि नहीं। भगवान से कामना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो, हम लोगों के बीच बिहार में आए। बीजेपी ने बोकारो में हुई दलित महिला की मौत मामले को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष अमर बाउरी ने कहा कि राज्य में हो रहे दलितों पर अत्याचार के खिलाफ बीजेपी 5 जनवरी को राजभवन के बाहर धरना देगी। सरायकेला में युवा जनशक्ति मोर्चा आगामी पंचायत चुनाव में सभी वार्डो में अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी। युवा जनशक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय झा ने शनिवार को इसकी घोषणा की है। इसके लिए जो है आगामी भी हमने जो पंचायत चुनाव में जो भी है झारखंड में बिहार में उसके इसके ऊपर में जो है हम अपने वार्ड स्तर से कैंडिडेट खड़ा करेंगे। आगामी नगर निगम में भी चुनाव होनी है, उसके लिए भी खड़ा करेंगे और अच्छे अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करके उस जगह पर प्लेटफॉर्म देंगे ताकि उस सुचारू रूप से विकास कर सकें। शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे तिरहुत प्रमंडल के नए आयुक्त मनीष कुमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने से पहले उन्हें कॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, जिसके बाद तत्कालीन आयुक्त पंकज कुमार ने अपनी जिम्मेदारी नए आयुक्त को सौंपी और बधाई दी। देखते हैं, हम समझते हैं और क्या, पंकज सर को मैच करना ही प्राथमिकता रहेगी। कुछ प्राथमिकताएं होंगी ना सर, चैलेंज है, आपने इतना कर दिया है सर। चलो चलो, कुछ प्राथमिकताएं होंगी ना सर। मैं आपको शहर को समझता हूँ, आपके प्रमंडल को समझता हूँ, आप लोग भी मुझे समझिए। सरायकेला खरसावां के कुकड़ू प्रखंड के हाई तिरुल गांव में विधायक सविता महतो ने पीसीसी पथ का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा मेरे पति की कर्मभूमि रही है और इसके विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। ईचागढ़ विधानसभा में कुकड़ू प्रखंड के हाई तिरुल गांव में जो लगभग 716,000 लगभग से विधायक निधि से रोड उद्घाटन। जमुई जिले के झाझा के आदर्श थाना में लगा जनता दरबार। इस दौरान अंचल अधिकारी अमित कुमार रंजन ने सुनी लोगों की फरियाद। वहीं मौके पर 50% से ज्यादा मामले का अंचल अधिकारी ने किया निष्पादन। चास में वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस दल पर अपराधियों के साथियों ने कर दिया हमला, जिसके बाद मौके पर अन्य पुलिस बलों को भेजा गया और वारंटी को गिरफ्तार किया गया। चांडिल के रिमडी थाना क्षेत्र के जुगीलोंग गांव में एक महिला ने बसूली से 2 बच्चों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे एक मासूम की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। वही पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी पुलिस को बाइक चोर पकड़ने के अभियान में मिली बड़ी कामयाबी। जिले की विभिन्न जगहों पर छापा मारकर पुलिस ने 8 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। वहीं गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल भी किए बरामद। लातेहार पहुंची पुलिस ने चटनाही चौक के पास से लेवी वसूलने पहुंची एक महिला और युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से करीब 25,000 कैश, 10 मोबाइल फोन और कई नक्सली साहित्य बरामद किया गया है। सरायकेला के आदित्यपुर पुलिस ने 2 लाख की ब्राउन शुगर और गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर चक्रधरपुर मिल्लत कॉलोनी से ब्राउन शुगर की खरीदारी कर लौट रहा था। चाईबासा में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के NH 75 पर गंगपुर के पास हुआ। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। लातेहार के तुम्बागड़ा गांव में बाइक की चपेट में आने से 3 साल का मासूम गंभीर रूप से जख्मी हुआ। वहीं जख्मी बच्चे को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के NH 30 पर हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत, तो वहीं गाड़ी के ड्राइवर गंभीर रूप से हुआ घायल। फिलहाल अस्पताल में चल रहा है घायल ड्राइवर का इलाज। मसौड़ी के उगरी पद के भैंसवा पंचायत भवन के पास 2 बाइक के बीच हुई जबरदस्त टक्कर में घटना में 4 युवक बुरी तरह हुए घायल। वहीं एक की प्राथमिक उपचार के दौरान हुई मौत। बेटा के डुमरिया गांव में दहेज के लालच में ससुराल वालों ने की महिला की हत्या। हुई मृतका के पिता ने थाने में दर्ज की शिकायत। फिलहाल मामले की जांच कर रही है पुलिस।
सरायकेला के कपाली ओपी अंतर्गत कमारगुड़ा में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर मामले की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। चाईबासा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए ऋण योजना, चक्रधरपुर प्रखंड के एरिया डेवलपमेंट स्कीम और नाबार्ड स्वच्छता अभियान से संबंधित पुस्तक विमोचन किया गया। सहरसा जिले में बढ़ते जमीन विवाद को लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर सदर थाना परिसर में कैरा अंचलाधिकारी के नेतृत्व में जनता दरबार का किया गया आयोजन। इस दौरान अंचलाधिकारी ने कई आवेदनों का निर्णय ऑन द स्पॉट किया। कुल आवेदन पत्र 5 प्राप्त हुए, इसमें 3 का निष्पादन हो चुका है और जो है उसके लिए ब्लड निर्धारित की गई है जो 16 जनवरी को रखा गया। बोकारो में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन से पहले 40 SDO ने सिविल सर्जन के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि वैक्सीन देने वालों की टीम तैयार कर ली गई है। जमशेदपुर जिला उपायुक्त द्वारा पोटका प्रखंड में कंबल उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं प्रत्येक पंचायत में 190 पीस कंबल का वितरण करना सुनिश्चित किया गया है। सरायकेला के चांडिल स्थित पार्टी काली मंदिर में कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए 3 दिवसीय यज्ञ और भंडारा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लातेहार जिला के धादू ग्राम के खरटिया खुटटोला में 3 दिवसीय श्री राम हरि कथा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में सैकड़ों ग्रामीणों ने शिरकत की। नववर्ष के मौके पर सरायकेला के कपाले स्थित सातनाला डैम पर बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने पहुंचे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक जिशान कादरी शनिवार को लातेहार पहुंचे, जहां उपायुक्त अबू इब्राहिम ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कलाकारों से रूबरू होते हुए कादरी ने कहा कि नेतरहाट पर भी एक फिल्म बनाए जाने की जरूरत है।